हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर वीडियोस। एंड भाई आज भी हमारे पास काफ़ी भयंकर न्यूज़ है एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना को टाइम वेस्ट करें भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मुनव्वर एंड साथ में एलवी यादव के बारे में। तो भाई ये कल दोनों मिलते हैं गले। तो भाई ये कल आए हुए थे यार अपनी टीम का अनाउंसमेंट करने के लिए। तो भाई इन चारों के बीच में होने वाला है कोई एंटरटेनमेंट प्रीमियम लीग। एंड भाई जब यार कल ये दोनों मिलते हैं भाई तो ये दोनों गले लगा के भाई मिलते हैं एंड उनके बाद भाई इन सबको काफ़ी ट्रोल मिलने लगता है जो कि भाई इनके फैंस वगैरह है भाई ये दोनों के भाई फैंस के काफ़ी इनको भाई ट्रोल कर देते हैं। बट उसके बाद भाई जो क्या रैंडम से ना भाई वो काफी सारे ट्वीट्स करते हैं भाई मुनव्वर फारूक को भाई काफी ट्रोल करते हुए एंड थोड़ा सा उन्होंने एलवी यादव को भाई ट्रोल करा बट भाई उन्होंने थोड़ा सा मुनव्वर फारूक को ज्यादा ट्रोल करा। तो भाई जो क्या रैंडम से ना है भाई उनका पहला ट्वीट आता है जिसमें भाई वो कुछ लिखे हुए होते हैं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ भाई वो लिखते हैं। एलवी यादव दिच हिंदू वी प्रोटेस्ट ही एपोलॉजी वी एक्सेप्टेड ऑफ एपोलॉजी बिकॉज ही डिड सो मेनी थिंग्स ऑफ केस मुनव्वर दिच मुस्लिम बी हगिंग ऑफ एंटी मुस्लिम एलविस नेवर एपोलॉजी टू मुस्लिम नेवर लाइव ऑफ अ क्वाम डिफरेंट फीलिंग फॉर सैड मुस्लिम। एंड उसके बाद भाई जो कि रैंडम सेना है भाई कोई यार ऐसी कोई यार पेज होगा जो कि भाई मुस्लिम को सपोर्ट करता होगा जिसका नाम है भाई अबील खान एंड भाई वो कुछ यार मुनव्वर को थोड़ा ट्रोल करते हुए लिखते हैं एंड रैंडम सेना उसके ऊपर लिखते हैं अग्री भाई। एंड उसके बाद यार एक वो पोल करा जिसका भाई वो क्वेश्चन देते हैं मुनव्वर फारूक ने भाई धोखा दिया मुस्लिम भाइयों को एंड उस पर भाई 85 से भी ज़्यादा परसेंट भाई यस पे एग्री करते हैं एंड नो पे यार आप लोग भाई देख ही सकते हो। एंड ये सबके बाद भाई रैंडम सेना का थर्ड ट्वीट है जिसमें भाई थोड़ा सा ट्रोल करते हैं एलवी यादव को जिसमें भाई वो कहते हैं एलवी यादव एपोलॉजी टू हिंदू कम्युनिटी वे बुल्ला मुनव्वर एपोलॉजीज टू हैवी पुणे पुत्र फैंस भी भवित्रा टैम आंसर नेवर एंड भाई नीचे एलवी यादव का कोई फोटो दिए हुए होते हैं। एंड ये सबके बाद भाई जो कि यार ये सब है भाई ये आते हैं भाई जो कि रैंडम से ना भाई वो आते हैं कल भाई अपने ट्विटर स्पेस पे लाइव एंड भाई कुछ बात करते हैं उन दोनों के बारे में एंड काफ़ी ज़्यादा भाई यार वो ट्रोल कर देते हैं मुनव्वर फारूक को एंड एलविस को भाई करते हैं बट थोड़ा करते हैं यार। देखो आप वो क्या कुछ कहे मुसलमान भाइयों ध्यान से क्या है कि एलविस यादव ने हिंदूज को धोखा दिया तो रैंडम सेना चढ़ा और एलविस यादव माफी मांगा हिंदू कम्युनिटी। अब आते हैं मुनव्वर फारूकी पे। लॉकअप जब हो रहा था तो हमारे प्यारे मुसलमान भाई जो भोले भाले हैं वो मुनव्वर डैडी को वोट दो मुनव्वर पापा को वोट दो। मुनव्वर पापा को आपने जिता दिया बिग बॉस हुआ मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम भाई जीत जाओगे भाई जिता दिया आपने मुनव्वर फारूक। लेकिन भाई एलविस यादव जो मतलब हर दूसरे दिन एक्सट्रीमिस्ट बोलो की मार होता है मतलब इसराइल को सपोर्ट करता है पैलेस्टीन में इतने मासूम बच्चे मरे उसको पेलने वाले इसराइल को सपोर्ट करता है एलविस यादव। एलविस यादव लव जिहाद पे बोलता है सीधा सीधा बोलता है अगले मादर ये लव जिहाद करते हैं। एलविस यादव क्या क्या नहीं करता है मतलब केरला स्टोरी जैसे प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट किया भाई जिसमें मुसलमानों को बुरा बताया गया कश्मीर फाइल्स जैसे प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट किया जिसमें मुसलमानों को बुरा बताया गया भाई उससे मुनव्वर फारूकी जो कट्टर मुस्लिम है कैसे गला मिल लिया भाई पैसे के लिए मतलब दीन सब थी। एंड बाकी गाइस जो कह रहे हैं सबके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी मुनव्वर एंड साथ में एलवी यादव के बीच में एंड साथ में भाई रैंडम सेना के जो कि यार मैंने आपको सबको भाई इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई नो यार आप सबको भाई पसंद भी आई होगी तो भाई सब्सक्राइब करना मत ही भूलना यार इस बात पे। चलिए बढ़ते हैं यार अपने अगले अपडेट्स में। तो यार हम लोग भाई बात करते हैं बिग बॉस 33 सीजन के बारे में जिसको भाई यार होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर सर। बट भाई कल होता क्या कि भाई जो यार इसकी लिस्ट है भाई वो आ चुकी है आज शाम के टाइम एंड उसमें भाई काफ़ी पॉपुलर क्रिएटर है बट जो यार सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाई वो है वड़ा पाव गर्ल एंड यस गाइस जिसका नाम भाई चंद्रिका दीक्षित जो कि भाई वड़ा पाव गर्ल है भाई यार वो आने वाली है बिग बॉस 33 सीजन में। एंड बाकी यार आपको क्या लगता है कि भाई इसके अंदर कितने क्लेश होंगे एंड जो कि भाई इसका कुछ प्रीवियस वीडियो आता है जो कि भाई कुछ कंटेस्टेंट का आता है तो भाई यार वो जो कि यार चंद्रिका दीक्षित है जो कि भाई वड़ा पाव मेन गर्ल है भाई इनका भी आ चुका है। देखो आप मेरे कदमों ने रफ्तार पकड़ी तो लोग मुझे रोकने आ गए लेकिन झुकना और रुकना मुझे आता नहीं। लाइफ में अपने काम और फैमिली को हमेशा ऊपर रखा लेकिन सवाल उठाने वाले को हमेशा निशाने पर। तो अपनी पर्सनालिटी को आप सभी के सामने लाने के लिए मैं आ रही हूँ बिग बॉस के घर में। एंड बाकी अगर हम लोग यार भाई बात कर रहे हैं बिग बॉस के बारे में जब यार भाई बिग बॉस वगैरह को यार कंटेस्टेंट जीतते हैं तो भाई एयरपोर्ट पर उनके साथ कुछ अलग ही बिहेव होता है तो उन सबको यार ट्रोल करते हैं यार मैक्सटन। देखो भाई, 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 थैंक यू भाई, 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 भाई।
एंड बाकी मैक्सन के आपको भाई ये प्रिडिक्शन कैसी लग भाई आप लोग यार कमेंट्स में बताना। चलिए बढ़ते हैं गाइस अपने अगले अपडेट्स में। तो यार बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट हरीश राव के बारे में। तो भाई यार जो कि यार ये भाई इनके एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो कि भाई यार ट्विटर पे है। तो बेसिकली भाई कोई इनका फैंस वगैरह होता है जो कि भाई इनको कुछ कह रहा होता है एंड ये भाई अपने होटल के साथ जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। बट भाई इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो कि भाई इनका फैंस है भाई उसका लिटरली भाई मारने के लिए आते हैं एंड भाई वो उनको कुछ यार सेल्फी वगैरह कह रहा था एंड गलती से यार उसके मुँह से भाई कुछ निकल जाता है। तो आपको मैं वो रील दिखाता हूँ भाई, देखो आप लोग। चल 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 एंड बाकी जो क्या मेरे को कुछ अपडेट्स मिले थे भाई मैंने आपको यार सब बता दिए। बस आपका एक काम है भाई सब्सक्राइब करना। तो भाई और सब्सक्राइब